तो मेरा मुकाबला होने वाला है विंड मिस्ट सिटी जिम लीडर के साथ। तो इस वक्त मैं तैयार हूँ मुकाबला करने के लिए, और मैंने अपने पोकेमॉन्स भी सिलेक्ट कर रखे। और पहला जो पोकेमॉन है मेरा वो है म्यूना, जो कि आने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस वक्त मेरा पोकेमॉन आ चुका है और ये बैटल फील्ड में आ चुका है। तो अब मेरा मुकाबला होने वाला, और मुझे पता है कि कौन सा मूवसेट मुझे यूज़ करना है। तो मैंने यौन यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता यौन से ये पोकेमॉन थोड़ा देर स्लिप होगा, क्योंकि ये पोकेमॉन थोड़ा ताकतवर है। अगर मैं इसे डायरेक्ट मुकाबला करने जाता हूँ तो हो सकता है कि मैं हार जाऊँ, या फिर मेरी काफ़ी ज़्यादा एचपी जो मेरा है वो काफ़ी कम हो जाए। लेकिन मुझे मुकाबला करने के लिए, देखो उसके दो मुंह में मेरा इतना सारा एचपी चला गया, लेकिन मैंने यौन का इस्तेमाल किया है इसलिए वो स्लिप हो जाएगा, और जब तक वो स्लिप रहेगा तब तक मैं उसको हरा सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मुझे मुकाबला करना है तो उसको स्लिप करके, और यहाँ पर मैंने साई बीम का इस्तेमाल कर दिया। देखो साई बीम कितना इफेक्टिव है, और इस वक्त मैंने पहला साई बीम इस्तेमाल किया जिसमें काफ़ी ज़्यादा एचपी लॉस्ट हुआ, लेकिन उसने हेल्थ रिकवर कर लिया, उसने यूज़ कर चुका है पोशन का। और मुझे अब फिर से मैंने मूव यूज़ किया और काफ़ी अच्छा मुकाबला काफ़ी बेटर था, लेकिन मुझे सुपर पोशन इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्योंकि सुपर पोशन से होता क्या है कि मेरा एचपी जो 50 तक बढ़ जाता है, यानी कि अब मेरा मुकाबला है और ये इस वक्त ये स्लिप में है और मैं इसको हरा नहीं जा रहा हूँ। अब ये हार चुका है, यानी कि मैंने पहले पोकेमॉन को एलिमिनेट कर दिया। जैसा कि अपोनेंट के पास 4 पोकेमॉन हैं और मैंने 1 पोकेमॉन एलिमिनेट किया, तो अब बचे सिर्फ 3 पोकेमॉन और मेरा मुकाबला अब होने वाला है। और मैंने अपना एक नया पोकेमॉन यूज़ किया, मॉनफर्नो। तो ये जो पोकेमॉन है ये भी काफ़ी अच्छा है, मैगमार के साथ इसका मुकाबला है। पर लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन सा मूव, क्योंकि वो तो फायर मूव तो यूज़ करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। इसके लिए मैंने मार्च पंच यूज़ कर लिया, क्योंकि अगर मैं ये मैग पंच का इस्तेमाल करता हूँ तो शायद कुछ इफेक्टिव हो जाता। तो ये मैग पंच चूँकि इस्तेमाल कर चुका हूँ मैं, और मेरा एचपी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इस पोकेमॉन को हरा पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश पूरी तरह से कर रहा हूँ। अरे यार, अगर ये क्रिटिकल हिट होता तो वो पोकेमॉन हार जाता, लेकिन मैं इस वक्त थंडर पंच के सामने मैं हार चुका, क्योंकि मेरा जो डिफेंस था वो कम हो गया था। तो मैगमार ने जो मेरे पर मूव्स का इस्तेमाल किया था जिससे मेरा डिफेंस जो आता है वो फेल हो गया था, मतलब वो गिर चुका था। अब इसने मेरा डिफेंस फेल कर दिया फिर से, और लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अब तो मैं इसको हरा ही दूंगा। तो ये लो, ये मैगमार का खेल खत्म, म्यूना ने मैगमार को हरा दिया। यही मेरे पास एक पोकेमॉन है जिसका ज़्यादा लेवल है, तो इस लेवल के वजह से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और अब दिखते हैं मेरा मूव्स आने वाला, लेकिन मैंने मूव्स का इस्तेमाल नहीं किया अभी। हिट मोर, अब ये जो पोकेमॉन है इस पोकेमॉन से मेरे को मुकाबला करना है। तो मैं पहले तो मैं यौन का इस्तेमाल करूँ, जो कि सबसे बेस्ट मूव है। तो इसका इस्तेमाल करने से होगा क्या कि ये पोकेमॉन स्लिप में चला जाएगा और इसे हराने में मुझे आसानी होगी। काफ़ी पोकेमॉन जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनको हराने के लिए हमें अलग अलग तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है और अलग अलग। देखो ये जो इसने अभी यूज़ किया, इससे इसकी एक्यूरेसी और अटैक पावर ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन जब ये स्लिप में चला जाएगा तो वो इसके काम नहीं आएगा। तो जो भी अटैक ये करेगा वो अटैक अब ये नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये पोकेमॉन स्लिप हो चुका है। तो ये मूवसेट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम आया, ये मुझे मुकाबला करने में भी काम आएगा। जैसे कि फाइनल बैटल होगा तो फाइनल बैटल में मुझे काफ़ी एडवांटेज, चैम्पियन के साथ बैटल करना होगा। ओह नो, इतना सारा एचपी थोड़ी देर में लॉस्ट हो गया, लेकिन ये तो अच्छा है कि मैंने इसको स्लिप कर दिया था। तो अगर मैंने स्लिप नहीं किया तो मैं शायद ये मुकाबला हार जाता हूँ, लेकिन ये मुकाबला अब मैं जीत सकता हूँ। तो मैंने इसे हरा दिया है। अब आया है कैमरा पर, ये पोकेमॉन जो कैमरा पर जो पोकेमॉन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, और इसे हराने के लिए मुझे अलग अलग तरीका इस्तेमाल करना। तो पहले तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया है जो कि फैनफी है, और ये पोकेमॉन काफ़ी बढ़िया पोकेमॉन है, लेकिन ये क्या इसे हरा पाएगा? नहीं हरा सकता, मुझे नहीं लगता कि रोल आउट यूज़ कर रहा हूँ मैं इस पोकेमॉन पर। रोल आउट हाँ, थोड़ा सा ही डैमेज है, रोल आउट का डैमेज काफ़ी कम आया, तो ये मुझे पहले भी लग रहा था मुश्किल है मुकाबला, क्योंकि रोल आउट का जो डैमेज है वो ज़्यादा नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा लेवल भी कम है। देखो मैं इस वक्त फैंट हो चुका है मेरा फैनफी, और अब मुझे
मुकाबला करना है तो मैं इस पोकेमन को चुनूंगा, क्योंकि ये पोकेमन को चुनने के लिए वजह मेरे पास ये है ताकि मैं अपने पोकेमन को हील कर सकूँ। तो सुपर पोशन का इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ और ये मैंने सुपर पोशन का इस्तेमाल कर दिया है। और ये हाँ, ये मुझे लग ही रहा था कि ये पोकेमन अब बचेगा नहीं, तो सुपर पोशन का जो इस्तेमाल किया वो काफ़ी एडवांटेजेस है। और दूसरी बात है स्वेलो जो, तो इस वक्त जो मैंने सिलेक्ट कर, अब मैंने काफ़ी ज़्यादा उसको म्यूना को हील कर दिया है सुपर पोशन का इस्तेमाल करके। और ये इसने रॉक स्लाइड का इस्तेमाल किया, मतलब रॉक स्लाइड जो है ना वो अपोनेंट का बहुत ही मजबूत मूव है। इसको सिलेक्ट करने से क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मेरे जो फ्लाइंग पोकेमन पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। तो मैं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये तो लगता है अगले रॉक स्लाइड में मेरा पोकेमन खत्म हो जाएगा। पर मेरा विंग अटैक भी काफ़ी अच्छा था जिससे इसका काफ़ी ज़्यादा एचपी जो आता है वो कम हो गया। और अब मुझे ये देखना होगा कि कौन सा आखिर मैं लैम्बर, ये पोकेमन मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये ग्रास एंड वाटर टाइप पोकेमन है और बबल का इस्तेमाल करते हैं, देखते कितना इफेक्ट पड़ता है बबल से। और इसने मैग्नीट्यूड इस्तेमाल कर दिया जो कि नॉट इफेक्टिव, मतलब मेरे पोकेमन पे उसका कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ है। और मैंने इस्तेमाल कर लिया है बबल और ये क्या, ये तो फेंट हो गया, बहुत सही। और मैंने ये मुकाबला जीत लिया, तो आखिरकार मुझे ये बैज मिल ही गया। अब देखते हैं इस बैज का आखिर नाम क्या, वो तो अभी पता ही चल जाएगा थोड़ी देर में। पर इधर पर मैंने, मुझे एक मूव मिला है और इस मूव का मैं इस्तेमाल करने वाला, मतलब अपने साथ रखने वाला एस्टोनीस को, जो कि मैंने बदल के बबल बीम, बबल बीम मेरे बहुत ही काम आएगा। फायर टाइप पोकेमन के अगेंस्ट मैं बबल बीम का इस्तेमाल करूँगा। और ये मैंने एम्बर बैज पा लिया है, मुझे मिल चुका है एम्बर बैज जो कि है विंड मिस्ट सिटी का बैज। और इस बैज को पाते ही मेरा एक बैज और मिल गया मुझे। अब इसी के साथ साथ ये बैटल एंड होता है और हम यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं।